रोज दो दो माशे मांगता, पता नहीं कितना समय लगता। अब मैं राजा पूछेगा क्या मांगू, सीधे इसने सोचा दो माशे क्या मांगना, चार माशे बोलू, आठ माशे मानो, और उसने उस समय की भाषा, मैं दो सिर सोना मांग लू इतना सारा, बस फिर कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, घर भी बन जाएगा और मेरा परिवार भी बच जाएगा। फिर सोचा चोरों ने चोरी कर ली, फिर क्या करेंगे, और ज्यादा मांगो ताकि समस्या नहीं आए। उसने मन भर की बात सोच ली, अंत में वो क्या कह बैठा अपने मन में कि मैं राजा से कहूं कि मुझे अपना राज्य दे दो, मैं बस राजा बन जाऊंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोच बैठा। थोड़ी देर में विचार बदले और उसने अपने आप से कहा, मैं कितना कितना पापी हूँ, जिस व्यक्ति ने, राजा ने मुझे इतने बड़ा निमंत्रण दिया और अब मैं उसी को राज्य से हटाना चाहता हूँ, इसे मैं को आधा राज्य दे दे, ये ठीक होगा, मैं भी राजा रह जाऊंगा ये भी। फिर वो और सोचता है, फिर अंत में दो माशे पर आ गया कि मैं दो ही माशे मांगूंगा और नहीं। कपिल, दो माशे से तेरा काम चल जाएगा, क्या होगा, कैसी स्थिति हो सकती है, यहां तो करना ही न पड़े। अब तो उसका चिंतन और चल पड़ा और वो इतने गहरे चिंतन में उतरा, उसको आत्मबोध प्राप्त हुआ इस बात से कि मांगना नहीं चाहिए, इस बात से लोभ आत्मा का पतन का कारण है, मैंने लोभ में क्या क्या सोच लिया, अब मैं ये सब छोड़कर ये सब नहीं करूंगा, और गहराई में चला गया। आत्मबोध उसने पाया कि संसार बंधन है, मैं तो आत्म कल्याण के रास्ते पर चलूं। राजा ने व्यक्ति भेजा, बुला कर लाओ भाई इसको। वो आया, हाँ भाई क्या सोचा, हाथ जोड़कर बोला, जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात, शर्माते हो, डरते हो, बोले क्या बात, क्या चाहिए, बोला जी अब कुछ नहीं चाहिए। उसने फिर आत्मज्ञान की बात राजा को बताई, राजा ने हाथ जोड़ रही, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, क्या ये ज्ञान तुम्हें पहले था, बोला नहीं अभी आत्मचिंतन से प्राप्त हुआ है और मैं संसार में रहना नहीं चाहता। तब कपिल ने दीक्षा ले ली थी, दीक्षा लेकर साधना की थी, फिर दीक्षा साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था कपिल केवली ने। और फिर एक बार उन्होंने 500 चोरों को धर्मोपदेश दिया था और वो 500 के 500 उनके शिष्य बन गए थे। इस तरह इस अध्याय में कपिल मुनि की कथा, उनका उपदेश, उनकी बातें बताई, जैसे जहां लाओ तहां लोहो, लहा लोहो पवड्ढई। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि जब लाभ होता है तो लोभ बढ़ जाता है और जितना लोभ होता है व्यक्ति में और आगे की सोचा करता है, अतएव संतोष ही इसका समाधान है। उन्होंने इस तरह उनको उपदेश दिया, वे भी धन्य हुए और कपिल मुनि ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लिया था, इस देह को छोड़कर के नश्वर देह को सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। उनके चरणों में हम वंदन और नमन करते हैं। इस तरह से ये 8 अध्याय हमारे इस शास्त्र के भाव रूप से, अर्थागम रूप से पूर्ण होते हैं। श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील वाहन, हमारा परम अहो भाग्य है, हम भगवान के वाणी की स्वाध्याय कर रहे हैं, पठन श्रवण कर रहे हैं, चिंतन और मनन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, हमारे जीवन के ये क्षण स्वर्णिम क्षण है जो प्रभु की देशना
सुनने को मिल रही है। बंधु वो प्रभु की देशना में कितना ज्ञान और रहस्य भरा है, यह हम स्वयं अपनी प्रज्ञा बुद्धि से सोच सकते हैं। कितनी अद्भुत बातें बताई जा रही हैं। आप जो सुन रहे हैं शास्त्र के भाव को सुन रहे हैं, इसमें आप आठ अध्यायों को श्रवण कर चुके, आज नौवें अध्याय की चर्चा है। नौवां अध्याय है नमी पवज्जा। नमी पवज्जा की चर्चा पीछे चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा बस याद करेंगे और फिर आगे के अध्ययनों की बात करेंगे। नमिराज नाम के एक राजा हुए, वे मिथिला के राजा थे। उन्हें दाहज्वर नाम की बीमारी हो गई थी। एक वैद्य ने उपचार किया, बावना कोसी नाम का चंदन उनके शरीर पर लगाया, उन्हें शांति मिली। पर उस शांति में एक बात हुई थी कि रानियां पति सेवा हेतु स्वयं चंदन घिस रही थी, सेवकों को उन्होंने अवसर नहीं दिया। रानियों के द्वारा चंदन घिसे जाने से उनकी चूड़ियों कंगनों की आवाज हो रही थी। राजा को नींद आना चाहती थी पर शोर के कारण नहीं आ रही थी। राजा ने शोर के बारे में पूछा और बंद करवाने की कही। तब रानियों ने सौभाग्य की सूचक एक एक चूड़ी रखकर बाकी के आभूषण उतार कर रख दिए। आवाज बंद हो गई, चंदन आता रहा। राजा ने पूछा अब कौन घिस रहा है कि रानियां घिस रही? उत्तर मिला, बोले आवाज तो नहीं आ रही। उन्होंने रहस्य बताया। यहां एक नया विचार राजा के मन में आया था और वो विचार था आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, या इस जीव को साथी सगुण को इसका कोई साथी अपना सगा नहीं है। इस एकत्व भावना से उन्हें वैराग्य हुआ और तब उन्होंने परिवार राज्य वैभव सब छोड़ करके वन में जाकर दीक्षा ली। उनके इस महान त्याग को देखकर इंद्र महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ था और वे जानने के लिए आए थे इनके वैराग्य का क्या कारण है। उन्होंने आकर अनेक प्रश्न पूछे। उन
प्रश्नों की संख्या 10 है और आप उनके बारे में सुन चुके हो। अंत में इंद्र देखते हैं इनका वैराग्य महान है, अतएव उनको नमन करके उनकी स्तुति करते हुए वे लौट जाते हैं। नमिराज ऋषि ने अपनी साधना की और फिर उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। यह सब इस 9वें अध्याय के अंदर बताया गया। 10वें अध्याय की अब कुछ बात करते हैं। इस 10वें अध्याय का नाम द्रुम पत्रक अध्याय है। द्रुम वृक्ष को कहते हैं, पत्र और पत्रक ये पत्ते के नाम हैं। वृक्ष का पत्ता। भगवान ने इस अध्याय में वृक्ष के पत्ते को उदाहरण बनाकर उपदेश शिक्षा दी है और इसमें प्रभु ने गौतम स्वामी को अनेक बार संबोधित किया। यहाँ एक पंक्ति बार बार आई है, समयं गोयम मापमायै, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यहाँ गौतम और उनको संबोधित करना उपचार से है। संबोधित प्रभु ने सभी को किया, उस समय जो उपस्थित थे उनको किया और आज हम इसके स्वाध्याय करते हैं तो हमारे को भी किया। इस अध्याय में संसार की नश्वरता और मनुष्य जीवन की दुर्लभता ये बात बताई। यहाँ पर आया दुर्लभ खलु मानुषे भावे। प्रभु ने कहा मनुष्य का जन्म पाना यह है परम दुर्लभ है। परम दुर्लभ है क्यों कहा, इसका कारण है। बंधुओं आप एक पौधे पर ध्यान दें। पौधा जो हम देख रहे हैं ये कैसे क्यों कर इस रूप में आया है। पहले बीज बोया गया, अंकुरित हुआ और बड़ा हुआ, शनै शनै उसमें शाखाएं फूटी, पत्ते आए और बड़ा हुआ, वृक्ष का रूप लिया। कितना समय लगा उसे एक वृक्ष के रूप में आने में। हमने भी एक लंबी यात्रा की है। लंबी यात्रा कैसे की है इसको हम दो दृष्टियों से समझ सकते हैं। एक तो जैन धर्म में जीव का विकास कैसे होता है ये बताया गया। दूसरी बात ये बताई गई कैसे कैसे स्थानों से गुजर करके आत्मा मनुष्य भाव तक आई है। तो यहां सबसे पहले पूर्वी काय मई गौ उको संग जीवो उसंब से पांच इंद्रियां होती हैं। हां जी भाइयों, श्रावको श्राविकाओ, पांच इंद्रियों में श्रोत इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ये पांच इंद्रियां हैं। जब जीव का विकास होता है तो वह विपरीत क्रम से होता है। विपरीत कैसे, पहले स्पर्श है, उसके बाद रसन है, उसके बाद घ्राण है, फिर चक्षु है और फिर श्रोत्र कान है। आप कहेंगे
तो फिर ये ऐसे कही जानी चाहिए थी, या तो ये उल्टी है या पहले वाली बात उल्टी है। मैं बताना चाहूंगा उल्टी कोई नहीं, दोनों ही ठीक है। जहां हम श्रोत इंद्रिय से गणना करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सुनने का काम कानों से होता है। जो भी ज्ञान सुनाया जा रहा बताया जा रहा है वह हम कानों से सुन पाते हैं, इसलिए पहले कानों की बात करी, वहां से शुरू किया। और जीव की बात यह है, पांच इंद्रियों में पहले प्रकार के जीव हैं उनको एक इंद्रिय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिनके पास केवल एक ही इंद्रिय है वो क्या चीज है? वो स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। स्पर्श मैंने छूना, जो छू करके जानती है, स्पर्श माने पर जानती है यह कैसा अनुकूल प्रतिकूल सुख रूप दुख रूप कैसे है उससे पता चलता है। ये स्पर्श इंद्रिय हमारे शरीर के संपूर्ण इस भाग में रहती है, ऊपर ये त्वचा में रहती है, यहां से हमें अनुभव होता है। जो ये एकेंद्रीय जीव होते हैं ये बहुत ही बेचारे पिछड़े होते हैं, इनके अंदर गति नहीं होती, कहीं आ जा नहीं पाते, केवल महसूस करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जब जीव का अनंत पुण्य होता है तब वह एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आता है।